पार्ट सेवन में आपको एक्स प्लस टू का क्यूब करना है और उसके इक्वल है टू एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस वन। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। क्यूब करने के लिए क्या होता है फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस बी का अगर आपको क्यूब करना हो तो रिजल्ट क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और इसको गुणा करेंगे ए प्लस बी से। ये फॉर्मूला होता है, ये आइडेंटिटी होती है जो आपको याद रखनी है। वैसे भी आप कर सकते हो लेकिन ये लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। आप पहले x प्लस टू को x प्लस टू से मल्टीप्लाई करो, फिर जो रिजल्ट है इसको x प्लस टू से मल्टीप्लाई करो तो यही आएगा। तो हम इसको सीधा रख देते हैं आइडेंटिटी के रूप में और हल कर लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी यानी a क्या है x और b क्या है 2, तो a क्यूब यानी x क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3ab यानी a और b को गुणा करो तो कितना हुआ 2x, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना गया 6x। a और b को गुणा किया तो 2x और 2 को 3 से गुणा किया तो 6x ओके। और उसके बाद में 6x को आप a प्लस बी यानी x प्लस 2 से गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को x से किया तो 6x स्क्वायर और 2 को 6 से किया तो 12, दोनों प्लस के हैं तो 12x। ये तो आपका इस तरफ का सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसका सॉल्यूशन कीजिए। यहां पर क्या है x स्क्वायर माइनस 1 है, इसको गुणा करना है किससे 2x से। 2x को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा माइनस 2x को 1 से गुणा किया तो 2x हो जाएगा, यानी इसके बराबर ये है, ये बराबर का निशान है इक्वल का। अब आप इसको लेफ्ट राइट कर लीजिए, चाहे इनको इधर ले आइए चाहे इसको इधर ले आइए। अब इसको इधर आप लाते हैं तो 2x क्यूब है ये, तो आप जो है पहले इसको लिखिए, ये बड़ा है 2x क्यूब बड़ा है x क्यूब की बजाय, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 2x क्यूब, ये लिख दीजिए, इसमें से माइनस कर दो x क्यूब। उसके बाद ये है आपका 2x, ठीक है, ये माइनस 2x और इसको इधर लाएंगे तो ये 12x है ओके, तो ये हो जाएगा माइनस का 12x, ये दोनों आ गए। अब आप जो है इनको भी लाइए, ये प्लस का 8 है तो ये माइनस का 8 हो जाएगा और ये जो है माइनस का 6x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए आप ये 2x में से 1x निकल जाएगा तो x क्यूब बच जाएगा, ये दोनों माइनस माइनस के जुड़ जाएंगे तो माइनस के 14x हो जाएंगे, दोनों जोड़ दिए और ये माइनस के 8 है और ये माइनस के 6x स्क्वायर यानी 0। अब इसको आप ढंग से लिख दो, पहले ज़्यादा पावर वाला ले आओ उसके बाद में कम पावर वाला 6x स्क्वायर लाओ उसके बाद में 14x ले दो उसके बाद माइनस 8 बराबर 0, यानी x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 8 बराबर 0, ये आपका समीकरण आया। क्या ये क्वाड्रेटिक है, क्या ये द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स नॉट इक्वल टू टू ए, ए जो है ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ए 0 नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है एक्स का पावर 3 आ रहा है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब होता है जब एक्स का पावर 2 होता है। अब क्योंकि 3 आ रहा है इसीलिए ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, ये एक द्विघात समीकरण नहीं है, इसका आंसर ये हो गया क्योंकि पावर 3 आ गया, द्विघात समीकरण में पावर 2 ही आना चाहिए अधिक से अधिक। ये क्लियर, थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।